Where are we going today? In the snow. In the snow. Kanchi, हम कहाँ जा रहे हैं? ये क्या बात हुई? And they slept within just 5 minutes of drive. Hello everyone, welcome back to our channel. कैसे हैं आप सब लोग? और हमने सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं, हमने आपको कहीं घुमाया नहीं. तो चलिए आज हम आपको लेके चल रहे हैं कहीं घुमाने, जो कि बहुत ही एक्साइटिंग जगह है. बट सबसे पहले रियली वेरी सॉरी, क्योंकि ये व्लॉग जो है ये लास्ट मंथ का है, मतलब कि क्यांश और कृषु के बर्थडे से पहले हम यहाँ गए थे. बट उसके बाद हम क्यांश कृषु के बर्थडे में, देन रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, ये सब में बिजी हो गए तो व्लॉग नहीं डाल सके. बट आज हम डाल रहे हैं और हम आए हैं विंटर ग्लो. तो बेसिकली ये जगह हमारे घर से अराउंड 1 आवर की ड्राइव पे है. ये एक एडवेंचर पार्क है. बट स्कूल विंटर हॉलीडेज में यहाँ पे विंटर ग्लो के नाम से एक फेस्टिवल होता है, जिसमें क्या क्या है वो सब आप देखिए आगे आगे, क्योंकि ये बहुत एक्साइटिंग है. हेलो, ओए, हेलो, इंपॉर्टेंट है भाई. और हम एंटर कर चुके हैं. जब हम पहुंचे तब तक राइड्स इतने स्टार्ट हुए नहीं थे, मतलब जस्ट स्टार्ट हो रहे थे, और इतनी भीड़ भी नहीं है. अदरवाइज यहाँ पे बहुत रश था स्कूल हॉलीडेज में, क्योंकि इन्होंने डेट्स थोड़े एक्सटेंड किए थे, लाइक स्कूल हॉलीडेज के बाद भी 1 या 2 वीकेंड्स एक्सटेंड कर दिया था. तो हम उसमें गए थे, अदरवाइज ही हमारा मिस हो जाता तो हम शायद नेक्स्ट ईयर जाते. बट एक्सटेंड हुए तो हम जा सके. एनीवेज ये देखिए कितना प्यारा व्यू है, कितना सुंदर लग रहा है. अभी उतना डार्क नहीं है तो भी लाइट्स जितनी हैं दिख रही हैं वो अच्छी लग रही हैं. जब एकदम डार्क हो जाएगा तो मतलब लाइट्स कितनी प्यारी लगेंगी. वो देखो वहां पे कितनी सारी लाइट्स है. तो एंटर करते ही सबसे पहले थी फेरीज व्हील, बट क्यांश और कृषु दोनों ने मना कर दिया था जाने से, क्योंकि उनको डर लग रहा था. मेरा मन था बट मैं भी नहीं गई. हाँ, कॉफी ले लेते हैं पहले. कॉफी ले लेते हैं. सबसे पहले कौन सी राइड में जाएंगे? एरोप्लेन, और उसके बाद टी कप. ओके, और इसमें जाएंगे, इसमें नो, फेरीज व्हील में नहीं जाएंगे. क्यों? वो तो बहुत फास्ट है. चलो देखते हैं द बलून वन. वो बलून वन तो बहुत ऊपर जाता बेटा, उसमें नहीं, दैट्स स्केरी. हम अभी देखते हैं. ओके, अभी देखते हैं कि हम कौन सी राइड्स में जा सकते हैं. पहले अब खा लो. एक्चुअली 1 आवर की ड्राइव थी तो हम थोड़े थके थके से हो गए थे, और बच्चों को भी भूख लग गई थी तो उनके चिप्स वगैरह सब मैं लेकर आई थी तो उनको वो दिया, और अपने लिए हमने ले ली कॉफ़ी, कि थोड़ा कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं, चार्ज अप होते हैं और उसके बाद घूमना शुरू करते हैं. तो कॉफ़ी वगैरह पी के मैं आई इस तरफ, क्योंकि ये बहुत सुंदर लग रहा था और एकदम ऐसा लग रहा था जैसे वो होता है ना परफेक्ट फोटोशूट लोकेशन वैसा. और मैं आई तो पीछे पीछे क्यांश कृषु को तो आना ही था, तो वो लोग भी आ गए. आ जाओ, कम. हाँ, खाएंगे, चिप्स भी खाएंगे. आओ जाओ वहाँ पे. नो रनिंग, स्लोली स्लोली. हाय. हाँ पर दूर. ओके बेटू, पास में नहीं, लाइट्स के पास नहीं. ठीक है, देखो यहाँ से सब दिख रहा है. देखो क्या क्या कितनी सारी चीजें हैं यहाँ पे. वाओ, बोट. यस. That's a map, है ना? Yes, car. हाँ, यहाँ भी चलेंगे अभी. ओके, हाँ चलेंगे, यहाँ पे भी चलेंगे. हाँ, ये वाले कार्स में चलेंगे. ओके, कॉफी, फेरिस व्हील. दीज आर नॉट द टॉयलेट्स, दैट्स वाटर फ्रंट पवेलियंस. ओ यस, ये तो यही है. ये देखो, ये रहा, ये रहा, है ना? चले फिर आगे.
And look, angel. Angel. And butterfly. Where is the butterfly? Wait. Krishu, wait. Yes. Princess? Angel one. Okay. Come this side. हम पापा को इधर से बुला लेंगे. Krishu, come this side. पापा इधर से. ये रे पापा. In the castle? Okay. Just wait. Wait. आ जाओ. कैंच पापा को बुलाओ. कम. कहाँ जाना है? Castle में. नहीं वो खा रहे हैं ना. मैं पकड़ लेती हूँ. देखो तो कितना अच्छा है, कितना इंटरेस्टिंग है. ये देखो ब्रिज कितना सुंदर लग रहा है. वाओ. चल रहे हैं कासल में भी चल रहे हैं बेटा. तो Krishu भाग रही है आगे आगे क्योंकि उसको सामने दिख रहा है कासल. तो उसको कासल में जाना है और पिक्चर्स क्लिक करने हैं. बट आई एम डैम श्योर कि वहाँ जाते ही वो डर जाएगी पिक्चर्स क्लिक कराने के नाम पे. तो ये है कासल जो बहुत ही प्रिटी लग रहा है. तो कासल वगैरह देख के पिक्चर्स क्लिक करा के हम बढ़ गए हैं आगे. आगे हमारा सेकंड डेस्टिनेशन क्या है आइए देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. कम. हेलो क्यूटी. क्या जा रहे हो? स्नोमैन. हाँ जी. तो अब हम जा रहे हैं स्नोमैन. तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने स्नो प्ले जोन्स बनाए हुए हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं और स्नो का मज़ा ले सकते हैं. तो हम आ गए हैं यहाँ पे. सबसे पहले हमने अपना प्राम लगा दिया था और इन दोनों को पहना दिए थे ये बूट्स, क्योंकि हमें लगा कि शायद स्नो में ये लोग स्लिप कर सकते हैं. हमें पता नहीं है, हम फर्स्ट टाइम जाने वाले हैं. तो फॉर अ सेफर साइड हम ये बूट्स ले आए थे. उनके वेबसाइट पर भी लिखा था कि ये चाहिए, इसलिए. शूज स्लिप कर रहे हैं यार इसमें. होल्ड ममाज हैंड अगर आपको डर लग रहा है. तो बच्चों के तो बूट्स हमने चेंज कर दिए, बट हमने अपने वही शूज पहने हुए थे नॉर्मल वाले, जो कि बहुत ज्यादा स्लिप कर रहे थे. तो बहुत देख देख के आराम आराम से चलना पड़ रहा था. तो हम आ गए हैं स्नो प्ले जोन में. यहाँ पे एक बड़ा प्ले जोन था जहाँ पे सब लोग प्ले कर सकते हैं, और एक थोड़ा छोटा सा सेक्शन बना रखा था जहाँ पे शायद छोटे बच्चे प्ले कर सकते हैं. तो हम अभी बड़े वाले सेक्शन में हैं. नाइस. तो एक्चुअली इनकी वेबसाइट पे मेंशन था कि जब आप स्नो जोन में आएंगे तो आप ओनली 15 मिनट्स के लिए प्ले कर सकते हैं. 15 मिनट्स बाद आपको एरिया छोड़ना पड़ेगा, शायद रश रहता होगा इसलिए. आप मल्टीपल टाइम्स आ सकते हैं, लेकिन एक सेशन में आप सिर्फ 15 मिनट्स के लिए ही आ सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ था. बट ऐसा कुछ था नहीं वहाँ पे. मे बी इसलिए कि हम लोग शायद लास्ट डेज में गए थे तो उतना रश नहीं था. जब रश होता होगा तो तब शायद वो लोग ऐसे मैनेज कर रहे होंगे क्राउड को. बट आज आप कितनी देर तक भी प्ले कर सकते हैं. इसीलिए हम सबसे पहले स्नो जोन में चले गए कि पहले यहाँ चले जाते हैं, क्योंकि शायद हमें 15 मिनट्स बाद बाहर निकलना पड़े. तो हम दोबारा आ जाएंगे, लेकिन एक बार पहले जाके देख लेते हैं कि कैसा है. तो हमने बहुत मस्ती की है, आप देख ही सकते हो, बहुत मस्ती थी. हाँ जी. तो बहुत सारी मस्ती करके, स्नो में बहुत सारा प्ले करके अब हम निकल गए थे बाहर. बट क्यांच और Krishu के जीन्स थोड़े से गीले हो गए थे, तो हम थोड़ी देर वहीं बैठ गए थे
क्योंकि वहाँ पे उन लोगों ने हीटर्स भी लगाए हुए थे कि अगर आपको ठंड लग रही है और अगर आपके कपड़े थोड़े बहुत गीले हैं तो आप वहाँ बैठ के उनको ड्राई कर सकते हैं। तो अभी इन दोनों को शूज़ वगैरह निकाल के यहाँ बिठा दिया था आराम से कि थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा और थोड़े कपड़े भी सूख जाएंगे। उसके बाद हम निकल गए बाहर और अब बाहर की जो लाइटिंग थी वो और भी सुंदर लग रही थी, क्योंकि जब हम गए थे तब उतना डार्क नहीं हुआ था बट अब एकदम डार्क हो गया है और बहुत ही प्यारा लग रहा था, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली लाइट्स बहुत पसंद है। तो चलिए आपको घुमाते हैं कि आगे आगे क्या है, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अगर इसी में दिखाएंगे तो ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी, जो यहीं से कंटिन्यू होगा। और तब तक अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।